நீல்லாத நாளல்ல நாளாகுமா நீல்லாத வாழ்வல்ல வாழ்வாகுமா एपिसियों तीसरा अध्याय 16 और 17 वचन को देखेंगे कि वह अपनी महिमा के दान के अनुसार तुम्हें ये दान दें, उसके आत्मा से अपनी भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव ढालकर जैसे पेड़ का जड़ अंदर रहता है वैसे मसीह में आपका संगति अंदर रहना चाहिए, उसका भीतर उसके अंदर आप में नींव पकड़ना चाहिए, तब परमेश्वर आपको सबके सामने इस्तेमाल करके ऊंचा करेगा, सब लोग आपको देखेंगे, आपको इस्तेमाल करेगा। यही वेद की बात है, हालेलुया। इस रिश्ता को बिगाड़ने के लिए बहुत शक्तियां काम करती है। मसीह के प्रेम में नहीं बढ़ना है और उस मसीह में नहीं बढ़ना है बोल के बहुत सारे शक्तियां, जैसे सेलफोन और व्हाट्सएप, इस प्रकार की बहुत सारे शक्तियां मसीह के प्रेम से हमें अलग करने के लिए इस दुनिया में हम सब से वो कोशिश करता है, उसको निकाल के फेंकना है। आप ये सेलफोन के, व्हाट्सएप के, फेसबुक में जितना समय बिताने से यीशु से दूर रहेंगे, मसीह की प्रेम में बढ़ेंगे नहीं। दिखावटी में आराधना कर सकते हैं, जोर से आराधना कर सकते हैं, जोर से प्रार्थना कर सकते हैं, कुछ भी नहीं होगा। ये सब जो है फल रहित पेड़ के समान है। कुछ कुछ पेड़ ऐसे दिखता हरा भरा दिखता है लेकिन कोई फल नहीं रहता है उसी के समान। वैसे ही परमेश्वर की संबंध के बिना दुनिया के साथ, फेसबुक के साथ, ये व्हाट्सएप के साथ अगर रहेंगे तो तुम सुंदर ढंग से गीत गाते हो, सेवा भी करते, लेकिन तुम्हारे पास कोई भी फल नहीं है। तो परमेश्वर यूहन्ना 15:16 में कहता है तुम्हें काट के आग में झोंका जाएगा। हमें ऐसे नहीं बिगड़ना चाहिए। आज परमेश्वर कहता है मेरे प्यारों, व्हाट्सएप के साथ संगति, फेसबुक के साथ संगति, जो सेलफोन के साथ संगति, इस प्रकार की संगति को यदि हम बरकरार रहेंगे तो मसीह में नहीं बढ़ पाएंगे। आप ये सारी बातों को फेंकना पड़ेगा, तब परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। प्रभु की संगति में बढ़ना है। सिर को ऊपर चिड़िया उड़ सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन उस चिड़िया को हमें घोंसला बनाने की जगह नहीं देना है। स्कूल में, कॉलेज में, सब जगह में व्हाट्सएप रहता है, लेकिन ये सब हमारे ऊपर घोंसला बनाने के लिए नहीं देना है। आपका रिश्ता को बिगाड़ना नहीं है। ये सारी बातों का अंत कीजिएगा। जब जरूरत है उसी के लिए हम यूज करेंगे, दूसरे जगह में हम टच नहीं करेंगे। आज परमेश्वर चेतावनी देता है, वो सारी बातों को रुक के परमेश्वर से प्रेम करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।